गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईकेएल फीटर एम के माध्यम से टाइप्स ऑफ मार्किंग पंच के बारे में जानेंगे कि मार्किंग पंच क्या है। तो पहले हम जान लें कि लेआउट क्या है। तो जॉब पर ब्लूप्रिंट के अनुसार मार्किंग करने की क्रिया को लेआउट या मार्किंग आउट कहते हैं। लेआउट किसे कहते हैं? तो ये जो देख रहे हैं यह जॉब है। तो जॉब पर ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो ये जो देख रहे हैं इसी को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इसे ब्लूप्रिंट बोलिए या जॉब का ड्राइंग बोलिए। तो जॉब के दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब पर मार्किंग करने की क्रिया को लेआउट या मार्किंग आउट कहते हैं। जैसे अगर इस पे हमें मार्किंग करना है दिए गए ड्राइंग के अनुसार, तो इसी को हम लेआउट या मार्किंग आउट कहते हैं। पंच, तो यहां हम चित्र में देख रहे हैं इसी को पंच बोलते हैं। तो अस्थाई रूप से लेआउट हेतु दिए गए माप को निश्चित मतलब पक्का करने हेतु पंच का प्रयोग होता है। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, किसी मार्किंग की हुई जॉब की मार्किंग को पक्का करने या सेंटर मतलब होल के लिए सेंटर लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम पंच बोलते हैं। ये देखिए, इसे हम पंच बोलते हैं। तो पंच का प्रयोग अस्थाई रूप से लेआउट मतलब जो ये ड्राइंग है, दिए गए ड्राइंग के अनुसार बीमाओं मतलब दिए गए माप को निश्चित मतलब पक्का करने हेतु पंच का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, किसी मार्किंग किए हुए जॉब की, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये जॉब है, जॉब पे क्या है मार्किंग किया हुआ, एक लाइन पारा हुआ है ना। तो किसी मार्किंग किए हुए जॉब की मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले यहाँ हम देख रहे हैं ये लाइन है, तो इस लाइन को क्या करना, पक्का करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लाइन क्या हो गया, पक्का हो गया। अब ये हाली मिटरेगा नहीं। और अगर इस जॉब में अगर हमें कहीं पे होल करना है, छेद करना है, तो छेद के लिए भी वहां पे हमें सेंटर लगाना पड़ता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे होल करना है, तो होल करने के लिए भी पहले हमें देखिए क्या किए, एक निशान लगाए। तो यही चीज बोला जा रहा है कि किसी मार्किंग की हुई जॉब की मार्किंग को पक्का करने या होल करने के लिए सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रकार, पंच दो प्रकार के होते हैं। नीमी बुक के अनुसार, याद रखिएगा, नीमी बुक के अनुसार पंच दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटर पंच और दूसरा प्रिक पंच। लेकिन अदर बुक के अनुसार पंच तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटर पंच, दूसरा प्रिक पंच और तीसरा डाउट पंच। पंच दो प्रकार के होते हैं, ये हो गया सेंटर पंच और ये प्रिक पंच। नीमी बुक के अनुसार पंच दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अदर बुक के अनुसार मार्किंग पंच तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ये देखिए, एक हो गया सेंटर पंच, एक प्रिक पंच और एक डॉट पंच। याद रखिएगा कि नीमी बुक के अनुसार मार्किंग पंच दो प्रकार के हुए हैं, एक हो गया सेंटर पंच और एक प्रिक पंच। पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जो हार्डन और ग्राउंड होते हैं, मतलब इसे हार्ड करके फिनिश किया हुआ रहता है। ये जो पंच है, तो पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जो हार्डन मतलब कठोर और ग्राउंड मतलब चिकने किए हुए होते हैं। केंद्र पंच मतलब सेंटर पंच। तो
तो ये जो देख रहे हैं इसी को सेंटर पंच बोलते हैं। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री का है, इसे हम सेंटर पंच बोलते हैं। ये देखिए, और सेंटर पंच का जो ये पॉइंट है तो पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। इसके द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता। सेंटर पंच द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह मतलब पंच मार्क चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता है। तो यहां हम देख रहे हैं जो यह सेंटर पंच है, तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक। और एक है 60 डिग्री वाला पंच और एक है 30 डिग्री वाला पंच, तो लेकिन जो 90 डिग्री वाला पंच है ये क्या हो रहा, थोड़ा चौड़ा है। देखिए तो ये क्या है, थोड़ा चौड़ा है। तो इससे जो हम जॉब पर, अगर हम इससे जॉब पर मार्किंग करेंगे, पंच मारेंगे मतलब, तो क्या होगा, इस पे जो पंच होगा जो चौड़ा होगा, लेकिन इसका जो गहराई होगा गहराई कम होगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सेंटर पंच द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह मतलब पंच मार्क चौड़ा होता है, ठीक, चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता है। इस पंच का प्रयोग छिद्र मतलब होल की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच का प्रयोग होल की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं कि ये जॉब है और इस जॉब में हमें यहां पे होल करना है। देखिए तो एक जैसे ड्राइंग के अनुसार क्या किए, पहले मार्किंग किए और इस जगह पे, तो ये देखिए इस जगह पे हमें क्या करना है, इस जगह पे हमें होल करना है, ठीक है। तो इस होल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे अगर हमें होल करना है तो यहां पे हम सेंटर पंच के द्वारा क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सेंटर पंच का प्रयोग होल की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच पर ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठाने में सहायक होता है। ये जो सेंटर पंच है, तो इस सेंटर पंच से अगर हम होल के लिए पंच मारते हैं तो इसका जो पंच मार्क है वह क्या होता है, देखिए इसका जो पंच मार्क होता है यह चौड़ा होता है, ठीक है। तो इस चौड़ा पंच चिन्ह, ठीक है, जो यह चौड़ा पंच चिन्ह है, इस पर ड्रिल, जो यह देख रहे हैं ड्रिल है, तो ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठने में सहायक होता है। माने चौड़ा होने के कारण क्या होता है, इसका जो ड्रिल का पॉइंट है यहाँ आराम से बैठता है, तो जिस कारण ड्रिल को, माने ड्रिल के द्वारा छेद करने में आसानी होता है। दूसरा प्रिक पंच, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला 30 डिग्री का प्रिक पंच और दूसरा 60 डिग्री का प्रिक पंच, इसी को प्रिक पंच बोलते हैं। तो प्रिक पंच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 30 डिग्री वाला प्रिक पंच और एक होता है 60 डिग्री वाला प्रिक पंच। ये 30 डिग्री वाला प्रिक पंच है और ये 60 डिग्री वाला प्रिक पंच। 30 डिग्री वाला प्रिक पंच, तो यहां हम देख रहे हैं यह 30 डिग्री वाला प्रिक पंच है, इसका आगे का पॉइंट 30 डिग्री में बना होता है। तो 30 डिग्री वाला प्रिक पंच का प्रयोग विभाजक मतलब डिवाइडर के टांगों को ठीक स्थिति में बैठने के लिए हल्के पंच चिन्ह हेतु होता है। इस प्रिक पंच चिन्ह में विभाजक की टांगे ठीक ढंग से बैठ जाता है, इसी को हम 30 डिग्री वाला प्रिक पंच बोलते हैं। तो इसका जो पॉइंट एंगल है 30 डिग्री में होता है, ठीक है, आगे का नोक कितना हमें होता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग विभाजक के टांग, तो इसे हम बोलते हैं डिवाइडर, ये जो देख रहे हैं
इसी को डिवाइडर बोलते हैं। तो डिवाइडर के टांग जो इसका पॉइंट है, टांग को ठीक स्थिति में बैठने के लिए हल्के पंच चिन्ह हेतु होता है, और इस प्रिक पंच चिन्ह में विभाजक के जो टांग है उसको ठीक ढंग से बैठ जाता है। जैसे हमें विभाजक से क्या करना है, इस पर मार्किंग करना है, ठीक। तो इसका टांग यहाँ ठीक से बैठ है, तो ये जो प्रिक पंच द्वारा क्या कर रहे हैं, इस पर निशान लगा रहे हैं, और फिर इसकी टांगों को देखिए, इसकी टांगों को यहाँ सेट करते हैं और फिर डिवाइडर के द्वारा जॉब पे मार्किंग करते हैं। सात डिग्री वाला प्रिक पंच, इसे हम डॉट पंच भी बोलते हैं। यह सात डिग्री वाला प्रिक पंच है, इसका पॉइंट एंगल सात डिग्री में बना होता है। सात डिग्री के प्रिक पंच विटनेस चिन्ह मतलब दिखने वाले चिन्हों को साफ दिखने के लिए मार्किंग के लिए होता है, और इसे डॉट पंच कहते हैं। इसे हम सात डिग्री वाला प्रिक पंच बोलते हैं, ये देखिए, और इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री में होता है, जो इसका आगे का पॉइंट है वह 60 डिग्री में होता है, इसलिए इसे 60 डिग्री वाला प्रिक पंच बोलते हैं। तो 60 डिग्री के प्रिक पंच विटनेस चिन्हों मतलब दिखाई देने वाले चिन्हों को साफ दिखने के लिए मार्किंग करने के लिए होता है, और इसे डॉट पंच भी बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जॉब है और इस जॉब पे हम मार्किंग करते हैं। इस जॉब पे क्या किए हैं, स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग किए हैं, देखिए स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग किए। तो इस लाइन को पक्का करने के लिए हमें 60 डिग्री वाला प्रिक पंच, जिसे हम डॉट पंच भी बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये लाइन क्या हो गया, पंच के द्वारा पक्का हो गया, और अब हम इस पे विभिन्न ऑपरेशन करेंगे तो यह लाइन नहीं मिटेगा। तो लाइन को पक्का करने के लिए 60 डिग्री वाला प्रिक पंच या डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। विटनेस चिन्ह एक दूसरे के बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री वाले प्रिक पंच से जो विटनेस चिन्ह पे पंच मारते हैं, तो पंच को एक दूसरे के नजदीक, बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, ये क्या है, विटनेस मार्क थोड़ा दूर दूर पर है, ठीक है, बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, विटनेस मार्क बहुत नजदीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब विटनेस चिन्ह एक दूसरे के बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए।